नमस्कार, मैं डॉक्टर मीरा पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स इन स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस। जैसा कि मैं आपको पिछले अध्याय में भी बता चुकी हूँ कि हमारे स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस के फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स विषय में सर्टिफिकेट कोर्सेज, अवेयरनेस कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स काफ़ी वर्षों से संचालित किए जा रहे हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको अंडर ग्रेजुएट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन कोर्स के पेपर नंबर 101 फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के यूनिट 1 कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोषण को जानने से पहले हमें भोजन के बारे में जानना आवश्यक है। अब भोजन हम किस प्रकार का लें कि हमें समुचित मात्रा में पोषण की प्राप्ति होती रहे, तो भोजन हम किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है। तो भोजन किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थ या तरल पेय पदार्थ को हम कह सकते हैं जो कि हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की सारी गतिविधियों को करने के लिए, उनकी वृद्धि विकास के लिए, उनकी कोशिकाओं के टूट फूट एवं मरम्मत के लिए और उनके सभी अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है, वो शक्ति हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। और भोजन किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं जो कि हमारे खाने योग्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट जूसेस, इन सब को हम खाद्य पदार्थ की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब ये खाद्य पदार्थ तरल भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों को लेना तो हमारी दैनिक आवश्यकताओं का एक हिस्सा है। जैसा कि हमारी तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो प्रथम रूप से यदि हमारे लिए आवश्यक है खाद्य पदार्थ यानी भोजन। अब भोजन के बिना, जैसे हम 24 घंटे भी नहीं चल सकते हैं, तो भोजन हम किस प्रकार से लेते हैं, हमें किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है या भोजन कितना पोषक तत्व युक्त है या नहीं, ये हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व किन्हें कहते हैं, पोषक तत्व किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, ये जानने के लिए कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषाएँ बताने जा रही हूँ। पहले ये जानना आवश्यक है कि यदि हम पोषक के तत्व के बारे में जानेंगे तो पोषण शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पोषण तत्व को एक साइंस के रूप में परिभाषित करने का श्रेय लेवोजियर नामक वैज्ञानिक को जाता है। इन्होंने ना सिर्फ पोषण विज्ञान को एक स्थान दिलाया है बल्कि इसको विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार न्यूट्रिशन is an act or process of nourishing to the body, यानि हमारे शरीर को नरिश करने के लिए जिस प्रकार की भोजन की प्रक्रिया या प्रणाली या कार्य करते हैं भोजन हमारे शरीर में जाके, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं या फिर पोषण कहते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं food at work in body, यानि हमारे शरीर में भोजन के जाने के बाद वो क्या कार्य करता है, उस भोजन को शरीर में ग्रहण करने के बाद उसके पोषक तत्व क्या कार्य करते हैं, इसको हम पोषण कहते हैं। उसका जो प्रभाव हमें पोषण ग्रहण करने के बाद या खाना खाने के बाद जो हमको उसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखता है, उसी को हम पोषण कहते हैं। काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार एक परिभाषा दी गई है जिसमें हमें ये बताया गया है कि पोषण को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड, द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस देयर इन, देयर एक्शन, इंटरैक्शन एंड बैलेंस इन रिलेशन टू हेल्थ एंड डिजीजेस। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच an organism ingest, digest, transport, absorbs all the nutrients and excretes substances। मतलब कि यहाँ पर यह कहा गया है वैज्ञानिक के द्वारा कि हमारा शरीर
सभी प्रकार के पोषक तत्व जो ग्रहण करता है उनका हमारे शरीर में किस प्रकार से डाइजेशन होता है, किस प्रकार से हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है, किस प्रकार से हमारा शरीर उसको पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है, इस और किस प्रकार से हमारे उपयुक्त पोषक तत्वों को शरीर ग्रहण करने के बाद अनुपयुक्त पोषक तत्व जो हमारे शरीर में आवश्यक नहीं है उनको शरीर के बाहर निकाल देता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं या न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हम भोज्य पदार्थ लेते हैं लेकिन भोज्य पदार्थ पोषक युक्त नहीं है तो हमारे शरीर में जाने के बाद भोज्य पदार्थ का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन होने के बावजूद भी हमारे शरीर में उसका कोई भी असर नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शरीर में भोज्य पदार्थ ग्रहण करना आवश्यक है, साथ ही साथ भोज्य पदार्थ पोषण युक्त होना चाहिए, ये उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। भोज्य पदार्थों के माध्यम से हम न केवल शरीर को सुदृढ़ और शक्तिमान बना सकते हैं बल्कि हम उनके अपने जीवन में जो वृद्धि एवं विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है उनकी भी प्राप्ति कर सकते हैं। पोषण को परिभाषित करने के बाद हम पोषण को और अधिक किस प्रकार से जान सकते हैं? पोषण हमको किन किन प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है? हम भोजन को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमको पोषक तत्व किन किन भोज्य पदार्थों से किस किस माध्यम से प्राप्त हो रहा है? तो आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे कि भोजन की प्राप्ति के साधन। सर्वप्रथम हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हमें भोजन प्राप्त कहाँ से हो रहा है, उसका प्रमुख माध्यम क्या है भोजन को प्राप्त करने का। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे, भोजन तो हमें दो माध्यमों से प्राप्त होता है। पहला एक प्लांट सोर्स यानी वनस्पति माध्यम, दूसरा है एनिमल सोर्स यानी कि जीव जंतु के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार के माध्यम से प्राप्त होना भोजन का। तो हम वनस्पति के माध्यम से किस प्रकार से भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं ये जानने के लिए कि जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, दालें, वसा, घी, तेल इत्यादि चीज़ें हम वनस्पति के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कि हम जब एनिमल सोर्सेज की तरफ जाते हैं तो एनिमल सोर्सेज के अंतर्गत हमें मीट, मछली, दूध, अंडे और समुद्री भोजन जैसे सी फिश वगैरह हमको जो भी प्राप्त होती हैं, हम जो उनको ग्रहण करते हैं वो एक एनिमल सोर्स के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो आपने देखा कि हमें पहले तो भोजन दो माध्यमों से प्राप्त होता है, एक वनस्पति माध्यम से और दूसरा जीव जंतुओं के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि फूड सोर्स जो है पोषण का कैसे बनता है। देखेंगे कि हमको न्यूट्रिएंट्स के सोर्स क्या क्या हैं, फूड के माध्यम से कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं हमको भोजन के माध्यम से। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है फैट, चौथा है विटामिन। पांचवा है मिनरल। और छठा है वाटर।
तो जैसा कि मैंने आपको इसमें लिखकर बताया, भोजन से हमें 6 प्रकार की पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, और वो 6 प्रकार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं वो मैंने आपको ये बताया। पहला है प्रोटीन। भोजन से हमें जो प्रोटीन की प्राप्ति होती है वो न केवल हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए ही आवश्यक है, बल्कि कोशिकाओं की निरंतर होने वाली टूट फूट, उनके मेंटेनेंस, उनके कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी इस्तेमाल होती है। और ये प्रोटीन हमारे शरीर में अति आवश्यक है, जो कि हम 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति करते हैं, और उस एनर्जी की प्राप्ति के माध्यम से ही हमारा शरीर हृष्ट और पुष्ट बनता है। साथ ही हम इसके बाद जो दूसरा पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। कि कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है, तो प्रमुख रूप से ऊर्जा का जो स्रोत है हमारे शरीर में वो भोजन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट हमें सीरियल यानी अनाज और कंदमूल और दालों के माध्यम से प्राप्त होता है। अब कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए अनाजों के रूप में जैसे कि ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल इत्यादि को हम जब अपने दैनिक प्रयोग में लाते हैं तो वो वहाँ पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी हमें ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे शरीर अपना दिन प्रतिदिन वाले कार्य को जो शक्तियों की आवश्यकता होती है उसको पूरा कर लेता है। और यहाँ पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमारे शरीर को प्रदान करता है। इसके बाद आते हैं हम वसा पर। वसा दो हमारे जो मुख्य पोषक तत्वों के साथ, वसा भी अत्यंत आवश्यक है। वसा के माध्यम से हमारे शरीर में चिकनाहट होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और हमारा शरीर शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए सुचारू रूप से बन जाता है। और यहाँ पर वसा में 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है। शरीर के लंबाई और उनके वजन के अनुपात में कितना वसा हम प्राप्त करते हैं ये हम इनके माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कि जैसे कि हमने प्रोटीन कितना खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट कितना खाया, हमने वसा कितना लिया, और वो 1 ग्राम में कितना मिलता है उसके अनुपात को निकाल कर हम ये जान सकते हैं कि हमें कितने संतुलित भोजन की आवश्यकता है और हम कितना दिन प्रतिदिन ले रहे हैं, यानी हमें अपने जीवन में अपने शरीर को और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कितने एनर्जी या कितने विटामिन या कितना और अधिक मिनरल जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति हम कभी कभी गणना सही से नहीं कर पाने की वजह से नहीं कर पाते हैं। अब हम आते हैं विटामिन पर। तो यहाँ पर अब आप ये कहेंगे या ये सोचेंगे कि विटामिन का क्या कार्य है शरीर में, क्योंकि विटामिन किसी प्रकार की ऊर्जा तो प्रोवाइड करती नहीं है। इसी प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि विटामिन हमारे शरीर में सुरक्षात्मक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। अब सुरक्षात्मक तत्व का मतलब ये होता है कि शरीर में जाकर, जैसे विटामिन सी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जैसे बाहरी मौसमी बीमारियों से बचने में रक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो कि विटामिन की कमी से होती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स होता है, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, इस तरह की बीमारियां हमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होते हैं। और इसके साथ ही आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जो कि विटामिन के शरीर में उचित मात्रा में प्राप्त ना होने की वजह से दिखाई देती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं मिनरल्स पर। मिनरल्स यानी खनिज लवण। अब जैसा कि हम आपको पिछले 4 पोषक तत्वों के बारे में बता चुके हैं, और इसी के साथ ही साथ जिस प्रकार 4 पोषक तत्व शरीर के लिए आवश्यक है उसी प्रकार से 5वां पोषक तत्व जैसे मिनरल उतना ही आवश्यक है। अब मिनरल हमें किस किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? मिनरल जो है हमें खाद्य पदार्थों के माध्यम, जैसे वनस्पति जन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनके माध्यम से भी प्राप्त होते हैं, और जो जंतु जनित खाद्य पदार्थ हैं उनके माध्यम से भी प्राप्त होते हैं। जैसे एक मिनरल आयोडीन है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, बौनापन या और अन्य कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए हमको जो है हमेशा आयोडीन युक्त नमक लेते रहना चाहिए। फास्फोरस है, उसकी कमी से भी विभिन्न प्रकार दांतों की बीमारियां हो जाती हैं। कैल्शियम है और अन्य प्रकार के मिनरल्स हैं जिनको हमें एक उचित मात्रा में शरीर में बराबर लेते रहना चाहिए। अब आता है जल।
वैसे तो लर्नर्स को ऐसा लगता है कि जल की इन पोषक तत्वों में क्या उपयोगिता है। जितनी उपयोगी ये पांच तरह के पोषक तत्व हैं, उन्हीं के साथ ही साथ उतने ही उपयोगी जल भी है, क्योंकि बिना जल के हमारे शरीर में सुचारू रूप से गतिविधियाँ हो पाना संभव नहीं है। शरीर में जल हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, जो तरल पदार्थ हैं, जो रक्त हैं, जो अन्य प्रकार के कार्य हैं, या शरीर का जो है तापमान है, इसको रेगुलेट करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जल हमारे शरीर में डाइजेशन को ईजी बनाता है। जल हमारे शरीर में कम लगभग 70 से 80% तक मौजूद होता है। तो इस प्रकार से यदि हम पांच पोषक तत्वों की बात करें तो पांच पोषक तत्वों के साथ ही साथ जल भी अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनके सोर्स क्या हैं, यानी कि हमको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, या कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, या वसा कहाँ से मिलेगी, या विटामिन मिनरल और वाटर कहाँ से प्राप्त होंगे। तो इनको प्राप्त करने के लिए, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होती है? प्रोटीन हमें विभिन्न प्रकार के दालों से प्राप्त होती है, दूध से प्राप्त होती है, और हमको अनाजों से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार के अनाजों से प्राप्त होता है, और विभिन्न प्रकार की कंदमूल यानी ज़मीन के नीचे पाई जाने वाली सभी स्टार्ची सब्जियों से भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से वसा की प्राप्ति का साधन क्या है? वसा की प्राप्ति का साधन दूध से बने सामग्री हैं, जैसे घी है, मक्खन है, और हमको जो वनस्पति जन्य से हमको तेल प्राप्त होता है, वो तेल है, वो फैट यानी वसा का साधन है प्राप्ति का। इसी प्रकार से विटामिन है, विटामिन हमें फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है, और इसी तरह से हमें मिनरल, जो मिनरल्स हैं वो सब्जियों से और अन्य प्रकार के अनाजों से भी प्राप्त होते हैं। जल, जल सर्वत्र व्याप्त है, और जल का भी हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हम खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में जानने के लिए अब हम आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएंगे कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। हम भोजन तो लेते हैं, पर हम भोजन कितने प्रकार से लेते हैं, या हम भोजन क्या लेते हैं, ये हमको पता नहीं होता है। ज़्यादातर समय पर ऐसा होता है कि हम भोजन तो ग्रहण करते रहते हैं, पर भोजन हम सही अनुपात में ले रहे हैं, या भोजन ग्रहण किया हुआ जो है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा सही अनुपात में मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये जानने के लिए हमको भोजन के कार्यों, भोजन के पोषक तत्वों और भोजन के वर्गीकरण को जानना भी आवश्यक है। इसी के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं रोज, वो पर्याप्त है हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए अथवा नहीं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पोषण दो प्रकार से होता है, एक तो है सुपोषण और दूसरा कुपोषण, यानी कि एक गुड न्यूट्रिशन यानी एडिक्वेट न्यूट्रिशन, और या फिर दूसरा है माल न्यूट्रिशन। तो गुड न्यूट्रिशन या एडिक्वेट न्यूट्रिशन को हम किस श्रेणी में लाते हैं? गुड न्यूट्रिशन या एडिक्वेट न्यूट्रिशन हम उसे कहते हैं कि जब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और जल का अनुपात एकदम सही होना चाहिए हमारे शरीर की भार और लंबाई के अनुसार। हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार ही हमारे पोषक तत्वों का निर्धारण हो सकता है। अब पोषक तत्वों का निर्धारण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पोषक तत्वों का निर्धारण करने के लिए हमारी उम्र और हमारे कार्य की प्रकृति ही निर्धारित करती है कि हमें किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में आवश्यकता है। तो जब हम किसी भी समय का डाइट प्लान करते हैं, या एक 24 घंटे पूरे दिन का डाइट प्लान करते हैं, तो पूरे दिन के डाइट प्लान में हम ये देखते हैं कि यदि व्यक्ति को उसकी थाली में वसा युक्त खाद्य पदार्थ, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ, मिनरल और विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहा है, तो हम उसको एक संतुलित आहार की श्रेणी में लाएंगे। ये एडिक्वेट न्यूट्रिशन कहलाएगा। यानी कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन हम कैसे जानेंगे कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है नहीं? एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्राप्त किसी व्यक्ति को हो रहा है नहीं,
उसको जानने के लिए हम उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से या उसकी मानसिक स्थिति को या उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति संतुलित खाना खाने के बाद, वो व्यक्ति एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेने के बाद वो संतुलित है, उसमें वृद्धि विकास संतुलित है या नहीं है, उसकी शारीरिक स्थिति भी संतुलित होनी चाहिए। शारीरिक स्थिति संतुलित होने के लिए क्या माप हो सकती है कि जैसे कि हम उसकी उम्र के अनुसार उसका वज़न कितना होना चाहिए, उसकी उम्र के अनुसार उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए और उसके कार्य के अनुसार उसको पूरी डाइट मिल रही है या नहीं जिससे वो संतुष्ट हो, उसका चेहरा दमकता हुआ होना चाहिए, उसकी नींद पूरी हुई होनी चाहिए, उसका कांतिमान शरीर होना चाहिए, उसकी लंबाई और शरीर की बनावट का प्रपोर्शन सही होना चाहिए। इसके माध्यम से हम जान जाते हैं कि उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से जब एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्राप्त हो रहा है, वो व्यक्ति सुपोषित है, तो उसके लक्षण उसके शरीर में अलग तरह से कांतियुक्त दिखते हैं। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति कुपोषित है तो कुपोषित व्यक्ति को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो कुपोषित व्यक्ति को जानने के लिए हम उसको देखेंगे कि उसका चेहरा बिल्कुल निस्तेज हुआ होता है, वो अपनी उम्र के अनुसार लंबाई ग्रहण नहीं करता है, वो अपनी उम्र के अनुसार वज़न नहीं ग्रहण करता है, वो थकान महसूस करता है और इस प्रकार मानसिक रूप से भी वो हमेशा चिड़चिड़ा हुआ होता है। इन लक्षणों को देखकर हम ये जान जाते हैं कि उसको उसका पोषण सही रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। अब पोषण सही रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है, इसको हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन को हमने दो वर्गों में विभाजित किया है, एक है कि अंडर न्यूट्रिशन और एक है ओवर न्यूट्रिशन। तो पहला जो वर्गीकरण का है वो है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब कि यदि किसी व्यक्ति की लंबाई और उसका वेट और उसका जो दैनिक कार्य है, चाहे वो हैवी वर्कर हो चाहे वो सेडेंट्री वर्कर हो, उसके कार्य के अनुसार उसको वो फूड नहीं मिल रहा है, उसको फूड कम मिल रहा है या उसको फूड मिल रहा है पर वो पोषण युक्त फूड नहीं है, ये जानने के लिए हम पहले तो उसके जो डाइटरी हैबिट है, जो डाइट प्लान उसको वो प्रतिदिन वो अपने दिन में खा रहा है, वो हमको देखने की आवश्यकता है। तो जब यदि हम उसकी खाने की तौर तरीकों को, खाने की मात्रा को और खाने के क्वालिटी को चेक करेंगे तो हम उसमें पाएंगे कि जो अंडर न्यूट्रिशन का जो व्यक्ति है उसको सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग खाने का अमाउंट तो बल्कि होता है, जैसे बहुत सारा चावल लिया, बहुत सारी दालें लिए, लेकिन वो क्वालिटी युक्त नहीं होती है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो उसमें पोषक तत्व भी कम मात्रा में होते हैं। इस प्रकार से हम देखने में तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा पोषण युक्त भोजन ले रहे हैं, पर असलियत में हम वो पोषण युक्त भोजन नहीं ले रहे हैं और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिख रहा होता है। इसी प्रकार से हम ओवर न्यूट्रिशन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ओवर न्यूट्रिशन से तात्पर्य ये हुआ कि हम जब बहुत सारा खाना खाते हैं और हमारी आवश्यकता से वो अधिक पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं और वो इम्बैलेंस की स्थिति आ जाती है। इम्बैलेंस की स्थिति का मतलब यदि हमें प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की लंबाई और भार के अनुसार दो गुना या तीन गुना हम ले रहे होते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर में दिखते हैं। जैसे आजकल आप बहुत ज़्यादा देखा गया है या पाया गया है कि छोटे छोटे बच्चे बाहर के मार्केट के फूड्स जैसे कि चाउमीन, बर्गर या इस तरह की चीज़ें अत्यधिक मात्रा में ले रहे हैं और उनका वज़न दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बहुत ही कम उम्र के बच्चों का वज़न कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बिल्कुल कई सारी बीमारियों का घर बन जाता है और वज़न बढ़ने से फिर उनको डायबिटीज़, उनको हाइपरटेंशन या उनको उनसे संबंधित और भी बीमारियां पनपने लग जाती हैं। इसलिए हमको ओवर न्यूट्रिशन भी नहीं होना है और अंडर न्यूट्रिशन भी नहीं होना है। इसलिए जब हम ये पोषण की डिफिनीशन देते हैं तो पोषण एडिक्वेट होना चाहिए न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन तो नहीं हो रहा है। इसके लिए हमको हमेशा अपने को मॉनिटर करते रहना चाहिए कि बच्चे को हम मॉनिटरिंग करते रहने से हमें ये लाभ होगा कि बच्चे को या वयस्क जो भी व्यक्ति पोषण ले रहा है वो पोषण उसको सही मात्रा में सही अनुपात में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि विजिबल सिम्टम्स ऑफ गुड हेल्थ क्या होता है।
विजिबल सिम्टम्स ऑफ गुड हेल्थ का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति या कोई भी बालक वो जिस भी उम्र में है उस उम्र और उसके दैनिक कार्यों के हिसाब से उसकी लंबाई, उसका वज़न सही मात्रा में, सही अनुपात में है या नहीं है। जैसे हम गुड सिम्टम्स के रूप में कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका चेहरा कांतिमान है, जिसकी आवाज़ में एनर्जी है, जिसका शरीर कांतिमान है, जिसके दांत चमकते हुए हैं, आँखें चमकदार हैं, बाल काले हैं और शारीरिक वजन उसकी शारीरिक उम्र के अनुपात में है, उसकी लंबाई शारीरिक उम्र और वज़न के अनुपात में है और उसका दैनिक जो आवश्यकता है पोषण की वो ले पा रहा है और उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है, एब्जॉर्ब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसकी पाचन शक्ति उसकी उम्र के अनुसार है या नहीं, और पचाने के बाद जो पोषक तत्व शरीर में आप भोजन के माध्यम से ले रहे हैं वो पोषक तत्व अपने शरीर में जाने के बाद कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन पोषक तत्वों के माध्यम से हम ये देखेंगे कि यदि हम विटामिन ए समय से ले रहे हैं तो हमारी आंखों की रोशनी बताती है विटामिन ए सही और उपयुक्त मात्रा में लिया गया है। इसी प्रकार से यदि लंबाई और वज़न सही है तो ये बताता है कि हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा समुचित मात्रा में ली है। विजिबल सिम्टम्स ऑफ गुड हेल्थ जानने के बाद अब हम आते हैं खाद्य समूह पर। अब सबसे पहले क्योंकि हम भोजन को पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार ग्रहण करते हैं, तो हम क्या भोजन ले रहे हैं, उसमें किस भोजन में कितना पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है, ये जानने के लिए और इनकी प्राप्ति पूरी तरीके से हमारे शरीर में हो जाए, इसके लिए हम भोजन को कई प्रकार के समूहों में विभाजित करते हैं। अब खाद्य समूह को 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला ग्रुप है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का। अब इस ग्रुप में हम ये जानेंगे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से हमें किस प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो दूध और दूध से बनी पदार्थ जैसे पनीर, छाछ, दही, मक्खन इत्यादि से हमें प्रोटीन, एनर्जी, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन की प्राप्ति होती है। इनके अलावा अन्य पोषक तत्व बहुत सूक्ष्म मात्रा में भी प्राप्त किए जाते हैं। अब प्रोटीन का हमारे शरीर में, मैं पिछली बार भी बता चुकी हूँ, इस लेक्चर में पहले भी बता चुकी हूँ कि शरीर में वृद्धि, विकास, कोशिकाओं की मरम्मत एवं अन्य कार्यों के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इन खाद्य समूहों के माध्यम से जब हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की मात्रा सही अनुपात में ग्रहण करते हैं तो हमें प्रोटीन की समुचित मात्रा जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे शरीर के ज़रूरतों के अनुसार आवश्यक है वो हमें मिलती रहती है। अब जो दूसरा समूह है वो है मीट, फिश, एग्स एंड पल्सेस का। जैसा कि इनके नाम से ही दिख रहा है कि इस समूह में हम प्रोटीन के मुख्य स्रोतों को रखते हैं। फिश यानी मछली, अंडे और दालों के माध्यम से हम इस समूह में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। तीसरा समूह जो आता है वो फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का है। अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फल और हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें सुरक्षात्मक तत्व की प्राप्ति होती है। सुरक्षात्मक तत्व हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करते हैं, साथ ही साथ हम पहले से ही स्ट्रांग बने रहें इसके लिए भी शक्ति प्रदान करती है, जिससे कि हमारे शरीर में बाहर से आक्रमण करने वाली बीमारियों को हम रोक सकें। अब चौथा समूह आता है सीरियल्स का। सीरियल्स हमें गेहूं, चावल और अन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इनसे प्रमुख रूप से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के साथ ही साथ हमें प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स की भी प्राप्ति होती है। वो पाँचवा समूह फैट, ऑयल एंड शुगर का आता है। इस समूह के माध्यम से हमें वसा और वसा से संबंधित मक्खन, तेल इत्यादि की प्राप्ति होती है और इस ग्रुप को अपने डाइट में शामिल करने से हमें ऊर्जा शुगर के माध्यम से और वसा के माध्यम से प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ हम अपने शरीर को सुचारू रूप से कांतिमान बनाए रखने के लिए वसा की अत्यंत आवश्यकता होती है।
तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि हम अपनी थाली में, अपने संतुलित आहार में इन पांचों समूहों से यदि हम भोजन का चुनाव करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति प्रतिदिन होती रहेगी, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सकेगा। अब इसके बाद हमने आपको ये बताया कि इस पेपर नंबर एक में फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के यूनिट वन कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन में हमने आपको इसकी डिफिनेशन, परिभाषा, भोजन प्राप्ति के साधन, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व और भोजन के समूहों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है ये हमने पढ़ा है, और साथ ही साथ एक स्वस्थ शरीर किस प्रकार से परिलक्षित होता है ये भी हमने विजिबल सिम्टम्स ऑफ गुड हेल्थ के माध्यम से जाना है।